हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप सबको स्वागत है मेरे और एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हीरो बाइक का ऊपर में, क्योंकि हीरो ने हाल ही पे 2021 का एंड पे और 2022 का स्टार्ट पे कुछ न्यू बाइक और स्कूटर का अपडेट किया है, जिसमें से हीरो ग्लैमर है, हीरो ग्लैमर एक्सटेक करके आया है और साथ में है हीरो का कुछ स्कूटर। जैसा जो आप स्कूटर अभी सामने पे देख पा रहे हो, आपका सामने पे ये जो डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, ये है प्लेजर एक्सटेक। तो ये सब बाइक और स्कूटर जो अपडेट दिया है हीरो ने, उसका मैं आपको एक ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ। और आज का रिव्यू होने वाला होगा हीरो ग्लैमर का ऊपर में, क्योंकि ये टॉप सेलिंग बाइक है हीरो का तरफ से। तो आप पहले एक बार ओवरऑल न्यू अपडेट बाइक एंड स्कूटर को देखो। ये जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का बाइक दिख रही है हीरो एक्सट्रीम 160R, इसका भी फुल रिव्यू राइडिंग रिव्यू के साथ आने वाला होगा मेरे चैनल पे। और इसका पास में है हीरो ग्लैमर, जो हाल ही में हीरो ने न्यू अपडेट किया है। इस पर न्यू हैलोजिन बल्ब का जगह में इसको फुल्ली LED हेडलैम्प प्रोवाइड किया है और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का साथ पे आपको ये दिख जाता है ये मॉडल। लेकिन ये मॉडल ड्रम वेरिएंट पे है। ये है हीरो प्लेजर एक्सटेक, ये अपडेट हो चुका है अभी। और अपडेट होने के बाद इसका जो नाम हो चुका है, ये प्लेजर का साथ में एक्सटेक जुड़ चुका है, इसलिए इसका भी पूरा नाम है हीरो प्लेजर एक्सटेक। ये है आपका सामने में हीरो ग्लैमर। हीरो ग्लैमर का बहुत सारा मॉडल और बहुत सारा कलर वेरिएंट आपको देखने मिल जाता है। टोटल 7 कलर वेरिएंट है। इसमें से आप ये जो देख पा रहे हो, ये 2021 का शायद मिडिल पे लॉन्च किया गया था, लेकिन ये हैलोजिन हेडलैम्प का साथ पे इसका हेडलैम्प आता है। और इसका जो कलर देख रहे हो, ये भी अपडेट कलर ही है। और पास में जो अभी ये ब्लैक कलर का मॉडल देख पा रहे हो, ये मॉडल को हीरो ने 2021 का एंड पे अपडेट किया है। इसमें आपको LED हेडलैम्प देखने मिल जाता है। और सामने पे आप ये जो डिस्क का कैलिपर देख रहे हो या डिस्क ब्रेक देख रहे हो, टोटल ये अपडेट हो चुका है। ये बहुत प्रीमियम है, क्योंकि ये ब्राइवरी ब्रांड का कंपनी इस पर ऑफर कर रहा है। जो हीरो का जो 200cc कैटेगरी का जो बाइक है, उसमें भी हीरो कंपनी ने ब्राइवरी का कोई डिस्क का कैलिपर यूज़ नहीं किया। इनका जो डिस्क का जो कैलिपर है, उस पर कोई एम्बॉस हॉलमार्क है नहीं, मतलब ये हीरो का तरफ से ही प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ग्लैमर हीरो कंपनी का एक बोल सकते हो टॉप सेलिंग बाइक है, जिसका कारण पे ग्लैमर पे बहुत चीज़ प्रीमियम आपको दिखने मिलता है। जो बाकी हीरो का जो बाइक है, उस बाइक पे आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम स्विच क्वालिटी और जो बॉडी पैनल का क्वालिटी है, उतना प्रीमियम आपको देखने नहीं मिलता है। अभी ये जो आप ग्लैमर बाइक देख रहे हो, ये ग्लैमर बाइक अपडेट मॉडल है, मतलब ये आप बोल सकते हो सेमी एक्सटेक, क्योंकि इसका जो हेडलैम्प है ये LED है और DLL भी LED है। लेकिन इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल्ली डिजिटल नहीं है, जिसका वजह से इसको आप सेमी एक्सटेक बोल सकते हो और एक्सटेक में फुल्ली डिजिटल मिल जाता है। देख सकते हो हीरो ग्लैमर का फ्रंट का जो हेडलैम्प है, हेडलैम्प का पास में जो दो LED DLL का जो पोजीशन है, उसका बीच में से एक क्रॉस है, जिसका वजह से ये जो लुक है इसका एक साथ है, ये लुक एक पैटर्न का है। और ये जो हेडलैम्प है, ये हैलोजिन नहीं है, क्योंकि LED होने की वजह से हीरो का जो बाइक है, उस बाइक का जो हेडलैम्प है वो धीरे धीरे छोटा हो रहा है, क्योंकि हैलोजिन का मुकाबले LED छोटा होता है साइज पे। इसलिए इसका जो फ्रंट लुक है, ये बहुत आदमी को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये LED के लिए है। LED बल्ब जब कंपनी प्रोवाइड करेगा, तब हैलोजिन का बल्ब का जैसा उसका हेडलैम्प का साइज़ तो सेम बराबर नहीं रहेगा, उसका वजह से ये धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होता जा रहा है, जिसका वजह से बहुत सारा यूज़र और पब्लिक कंप्लेन कर रहा है ये मॉडल उनको उतना पसंद नहीं आता है। लेकिन क्योंकि ये अपडेट है, अपडेट पे आपको LED देने से हेडलैम्प छोटा ही देखने मिलेगा। स्टार्ट करते हैं बाइक का फ्रंट से। बाइक का फ्रंट पे आपको देखने मिलता है 80x100 सेक्शन का टायर, जो 18-inch एयर व्हील्स का साथ पे आता है। और कंपनी इस पे जो प्रीमियम चीज़ ऐड किया हुआ है, इसका फ्रंट डिस्क आपको मिलता है 240mm का, जो ब्राइबरी की तरफ से आता है। बाइक का फ्रंट पे लगा है टेलीस्कोपिक शॉकर, ये टेलीस्कोपिक शॉकर 120mm सेक्शन का है। ओवरऑल बाइक का जो लुक है, ये इसका प्रीवियस मॉडल का साथ मैच करता है। इसका जो अपग्रेड हुआ है, वो अपग्रेड है इसका LED हेडलैम्प और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंजन वाइज सेम है, लेकिन इंजन अभी V6 नॉब्स के लिए इसका फ्रंट पे आपको कैथलेटिक कन्वर्टर देखने मिलता है ऑक्सीजन सेंसर के साथ पे। और ये FI इंजन है I3S टेक्नोलॉजी का साथ पे, जो हीरो का खुद का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। रियर पे आपको देखने मिलता है हीरो का बैचिंग, और रियर में PLM को पकड़ने के लिए देखने मिलता है आपको ग्रैब रेल। ओवरऑल बाइक का जो लुक है, फिट एंड फिनिशिंग क्वालिटी है, इस पे हीरो ने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। यहाँ पे न्यू फिनिशिंग और न्यू अपडेट का साथ पे हीरो ने अभी कंपटीशन मार्केट पे अपना बाइक को लॉन्च करने जा रहा है, क्योंकि इसका जो कंपटीटर है वो है होंडा साइन
125, मतलब ये होंडा साइन 125 का साथ पे और इसका अपडेट मॉडल है एसपी 125 और पल्सर 125। तो इन तीनों बाइक में से हीरो ग्लैमर बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा अभी धीरे धीरे। तो पीछे आप जो देख पा रहे हो ये जो रियर टायर है ये 100x80 सेक्शन का टायर है, 18 इंच एलॉयज का साथ पे कंपनी ने इस पे प्रोवाइड किया है। रियर पे आपको ड्रम ब्रेक देखने मिलता है, रियर में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने मिलता है और ये CBS का साथ आता है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। फ्रंट का आप डिस्क ब्रेक दबाओगे तो रियर का दबेगा और रियर का ब्रेक दबाने से फ्रंट का ब्रेक भी इंक्लूड होता है। बात करते हैं बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशंस का, ऊपर में इस बाइक पे लगा है 124.7cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जिसका मैक्स पावर है 10.84 PS 7500 RPM पे और इसका टॉर्क है 10.6 Nm 6000 RPM पे इसका टॉर्क जनरेट होता है। इस बाइक पे आपको देखने मिलता है 5 गियर 1 डाउन एंड 4 अप। इस बाइक पे 5 गियर है, पहले इसका जो गियर था और इसका जो इंजन है इसका जो रेशियो था वो अलग था। आज का डेट पे ये मॉडिफाइड हो चुका है इसका इंजन, जिसका वजह से इस बाइक का जो माइलेज है ये माइलेज बढ़ चुका है अभी, क्योंकि FI लगा है। FI लगने का बाद कार्बोरेटर से ज़्यादा आपको माइलेज मिल जाता है एक एवरेज स्पीड मेंटेन करने से। इस बाइक का जो हाईवे माइलेज है ये माइलेज आपको 70 किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा और सिटी में आपको मिलता है 64.5, मतलब एवरेज अगर आप मान के चलो कॉम्बाइंड में आपको 60 किलोमीटर इस बाइक से इजीली मिल जाएगा। इस बाइक में आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इस बाइक का जो कार वेट है वो डिस्क वेरिएंट पे है 124 किलो और जो ड्रम वेरिएंट है उसमें आपको 1 किलो कम मिलता है, 123 किलो वेट का साथ ये बाइक आता है। इस बाइक का जो ऑयल टैंक है इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है ये है 10 लीटर का, जिसमें से आपको 2 लीटर रिजर्व रखना पड़ेगा क्योंकि FI का नॉब्स का हिसाब से आपको मिनिमम बाइक पे 2 लीटर पेट्रोल रखना है। इस बाइक पे आपको देखने मिलता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख रहे हो ये अभी अपडेट हो चुका है क्योंकि ये सेमी एक्सटेक है, मैं पहले बताया हूँ, इसलिए इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो बेसिक सा देखने मिलता है जो हर ग्लैमर पे आता है। हीरो ग्लैमर में आपको प्रीमियम क्वालिटी का स्विच और बॉडी पैनल का पार्ट्स देखने मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको हॉर्न इंडिकेटर और पासिंग स्विच, अप एंड डाउन का स्विच आपको देखने मिलता है। राइट हैंड साइड पे आपको देखने मिलता है i3s का स्विच टॉप पे जो ब्लू कलर पे है और रेड कलर का जो है वो सेल्फ का स्विच है। अभी बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन है जिसका वजह से फ्रंट का जो LED DRL है जो एक शेप पे है वो आपको दिख रहा है क्योंकि ये सेमी एक्सटेक आप बोल सकते हो। जो एक्सटेक मॉडल जो अभी मार्केट पे आपको देखने मिलता है उसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहता है, दोनों में यही अंतर है। हीरो ग्लैमर का एक्सटेक का ये जो मॉडल देखो इसका रियर पे आपको जो रेड कलर का ये ग्लैमर दिख रहा है ये भी 2021 का BS6 है लेकिन ये इससे 6 मंथ ओल्ड है। ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो इसका फ्रंट पे आपको LED DRL दिख रहा है, बस इस दोनों बाइक में यही फ़र्क है दोनों में। तो मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, देखो जो ये इग्निशन मैंने ऑन किया LED एक शेप पे ये LED बल्ब जलने लगा, तो इसके लिए आपको 4,000 to 5,000 rupees ज़्यादा पे करना पड़ता है इस मॉडल के लिए। ये वाला जो मॉडल है ये BS6 है 2021 का ही, लेकिन इसका जो बल्ब है ये मैं जब पास में जाऊँगा तब आपको दिखेगा। अब वो वाला एक बार बाइक को देख लो, ये जो कलर है रेड कलर है, इस रेड कलर का जो बाइक है ये सब सेम है, इंजन वाइज एवरीथिंग सब कुछ सेम है लुक में, सिर्फ जो फ़र्क है वो है हेड लैम्प पे। तो मैं अभी फ्रंट से भी आपको दिखा देता हूँ, एक बार फ्रंट से भी देखो बाइक को साइड से भी। इसका दो जो पायलट लैम्प है ये पायलट लैम्प नॉर्मल सा बल्ब लगा है और फ्रंट पे हैलोजन हेड लैम्प है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो ये सेम है। अभी मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा इस बाइक का जो हेड लैम्प है, हेड लैम्प का जो रोशनी है वो कैसा है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ और बाइक को स्टार्ट करते हुए अभी फ्रंट का हेडलैम्प जलने लगेगा तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है, सिर्फ एक्सटेक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको डिजिटल दिखने मिलता है, अदरवाइज आपको ग्लैमर में 3 वेरियंट मिलता है। अभी जो आप वेरियंट देख रहे हो ये आपको टॉप वेरियंट से 5,000 to 6,000 rupees कम देखने मिलेगा। आप देख सकते हो इसका जो पायलट लैम्प है ये नॉर्मल सा बल्ब है और इसका जो मेन हेडलैम्प है ये हैलोजन हेडलैम्प है। अगर आप ग्लैमर का हैलोजन हेडलैम्प वाला ये मॉडल लेना चाहते हो तो इसका ऑन रोड प्राइसिंग गुवाहाटी है 96,330 rupees और जो सेमी एक्सटेक है ये वाला मॉडल का जो फ्रंट का जो हेडलैम्प है ये LED है, इस मॉडल का 98,345 rupees है ऑन रोड इन गुवाहाटी। शोरूम टू शोरूम वेरी करता है, आप अपना नज़दीकी डीलर पॉइंट में जाके इसका रेट पता कर सकते हैं। क्या आपको ये बाइक लेना चाहिए या नहीं, तो अगर आप एक 125 cc सेगमेंट पे कोई बाइक ढूंढ रहे हो जिसका माइलेज
और सर्विस कॉस्ट लो हो और स्पेयर पार्ट्स आपको इजीली मिल जाए, तो हीरो का जो सर्विस कॉस्ट है और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो चीप आता है। सबसे बड़ा बात है इस बाइक का जो माइलेज है, आज का डेट पे जो फ्यूल का कॉस्ट है उसका देखते हुए आप अगर 125 सीसी सेगमेंट पे कोई बाइक लेते हो उसमें हीरो का ग्लैमर बेस्ट है, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी है, इसमें जो कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो डिस्क प्रोवाइड कर रहा है ये अभी अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ प्रीमियम देखने मिलता है। उस हिसाब से आप अगर कंसीडर कर सकते हो पावर को, क्योंकि इसमें जो पावर है अपना सेगमेंट में पल्सर 125 से थोड़ा कम है, लेकिन ये माइलेज के लिए बेटर है। इसको इजीली आप अगर हाईवे पे और सिटी पे राइड करते हो इजीली 65 का माइलेज इस बाइक सबको मिल सकता है। आप अगर एक लो कॉस्ट पे लो मेंटेनेंस पे एक न्यू बाइक ढूंढ रहे हो 125 सीसी सेगमेंट के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट है। और बहुत जल्दी मेरे चैनल पे कौन सा बाइक 125 सीसी सेगमेंट बेस्ट है उसका कंपैरिजन एक वीडियो में डालने वाला हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ पे। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं कोई और एक रिव्यू वीडियो में।